यो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का एपिक बॉयज गेमिंग चैनल में। और दोस्तों आज हम एक बार फिर से खेलने वाले हैं सुपर सस। और दोस्तों आज का जो गेम प्ले होगा वो थोड़ा यूनिक होगा, क्योंकि तुम्हारा भाई कोबरा आज करेगा एक इम्पोस्टर, एक न्यूट्रल, एक स्पेस किल का गेम प्ले। और एंड में हम देखेंगे कि इन तीनों में से कौन सा जो रोल है वो बेस्ट है। और पहले तुम्हारा भाई कोबरा यहाँ पे बनाए द मंकी किंग। और गेम के अंदर भाई जोकर भी है, ग्लिटोनी भी, और हमारे जो पार्टनर है वो है यहाँ पे द बाउंटी हंटर, यानी कि उसको सुपारियाँ मिलेंगी और वो किल करेगा बिल्कुल ताप पर, थोड़ा पलंग तोड़ देता ना। और यहाँ पे हमने लाइट ऑफ कर दिया और यहाँ पर हम किल कर देंगे जाके भाई ब्राउन को। और मैं ब्राउन की बॉडी की कॉपी कर लूंगा भाई, जैसे कि मेरा कोई बंदा मार नहीं सकता, चाहे वो शेरिफ हो चाहे वो ग्लिटोनी हो, मुझे कोई बंदा नहीं मार सकता। और मेरे पीछे आ रहा है ऑरेंज, हो सकता है वो इस गेम के अंदर डॉक्टर हो, लेकिन भाई डॉक्टर ने मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। आगे की ओर बढ़ते हैं कि तुम्हारा भाई कोबरा आज बना यहाँ पे द मंकी किंग। तो आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे भाई दो बॉडियाँ पड़ी हैं, दो बॉडियाँ भाई, लगता है मेरे पार्टनर ने भी किल कर दिया। और यहाँ पे ये ऑरेंज आ चुका है, ऑरेंज लेके जा रहा था भाई बॉडी को रिवाइव देने के लिए, तुम्हारे भाई कोबरा ने किल कर दिया यहाँ पे ऑरेंज का भी। ये बहुत ही अच्छा काम करा है मैंने, और मैंने यहाँ पे अपना क्लोन छोड़ दिया, कोबरा ही नाम का वो क्लोन है। और भाई गेम के अंदर डायनासोर कहाँ से आ गए, डायनासोर तो मर चुके थे, डायनासोर तो होते ही नहीं है, लेकिन ये डायनासोर गेम में आया कहाँ से, वो भी ग्रीन बन के। आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे भाई पड़ी है तीन तीन बॉडियाँ, और तुम्हारे भाई कोबरा ने कॉपी कर लिया यहाँ पे एक बार फिर से ब्राउन की बॉडी की। और अब मैं पूरे मैप के अंदर घूमता रहूंगा जब तक मेरा टाइम पूरा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे बैठ जाती है मीटिंग। और ये लोग मीटिंग में से बाहर कर देते हैं हमारे ऑरेंज को, कहते हैं वो इम्पोस्टर है, लेकिन वो इम्पोस्टर नहीं होता, इम्पोस्टर तुम्हारा भाई कोबरा होता है। आगे की ओर बढ़ते हैं किल करने के लिए। पहले यहाँ पे हमने गेट बंद कर दिया हमारे पार्टनर ने, हमको लाइट बंद करनी थी, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई बंदा ऐसे बाहर नहीं जा पाएगा, तो ये भी अच्छी बात है हमारी नहीं है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं भाई, यहाँ पे हमने लाइट बंद कर दी मैं, तो भाई अब तुम्हारा भाई कोबरा करेगा बिल्कुल टॉप पर थोड़ा पलंग तोड़ के, तो मैं यहाँ पे किल अभी 6 सेकंड का वेट करना पड़ेगा तुम्हारे भाई कोबरा को, तभी मैं किल कर पाऊंगा। और यहाँ पे खड़ा हुआ है ये पिंग सिंपल सा तरीके से, मैं यहाँ पे स्किल करने वाला था, लेकिन भाई मेरा जो पार्टनर है यहाँ पे बाउंटी हंटर, वो पहले ही किल करके भाग जाता है पिंग का, लेकिन दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम्हारा भाई कोबरा यहाँ पे किल कर देगा बिल्कुल, और गेम यही खत्म हो गया। मुझे पता था भाई 2 किल होती ये गेम खत्म हो जाएगा, और तुम्हारा भाई कोबरा जीत चुका है ये पहला गेम प्ले। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे ताव पर तोड़ पलंग तोड़ गेम प्ले की ओर। तो भाई देखो यहाँ पे हमारा दूसरा गेम प्ले शुरू हो चुका है, और इसके अंदर हमको बनाएगा ये न्यूट्रल, और तुम्हारा भाई कोबरा यहाँ पे बनेगा द ग्लिटोनी। चलिए फिर शुरू करते हैं, यहाँ पे ग्लिटोनी बन के लोगों को खाने का सिलसिला। और गेम के अंदर है भाई शेरिफ, बाइटर और हनी भी, लेकिन भाई ग्लिटोनी बनने का सबसे बड़ा फायदा ये है, ये बाइटर को भी खा सकता है और मीटिंग नहीं बैठेगी, ये ग्रीन्स को भी खा सकता है भाई मीटिंग नहीं बैठेगी, मतलब किसी को भी खा सकता है और किसी को पता भी नहीं लगेगा कि ग्लिटोनी गेम के अंदर कौन है। तो फिर आगे बढ़ते हैं लोगों को खाने के लिए, हमारा टाइम पूरा हो चुका है। और मैड वे में एक बंदा स्कैन कर रहा है अपने आप को, तो पहले उसको ही खा लेते हैं भाई। आगे की ओर बढ़ते हैं यहाँ पे खाने के लिए, लेकिन भाई यहाँ पे तो भाई ब्लू जो है वो इम्पोस्टर है, उसने यहाँ पे किल कर दिया था भाई पर्पल का। तो आगे की ओर बढ़ते हैं, यानी कि हमने गेम की स्टार्टिंग के अंदर ही एक बंदे को खा लिया और वो है यहाँ पे इम्पोस्टर, तो हमको सिर्फ एक इम्पोस्टर और खाना है, फिर हमको कोई नहीं मार सकता भाई। शेरिफ में इतनी हिम्मत है नहीं कि वो ग्लिटोनी को मार दे, और यहाँ पे व्हाइट आ रहा था भाई निंजा, हो उसको भी हमें खा चुका। अभी गेम शुरू हुआ है और तुम्हारा भाई कोबरा दो बंदे खा चुका है, लेकिन मेरा टाइम पूरा नहीं हुआ, तो भाई मैं ये ब्राउन को भी खा जाता। तो आगे की ओर बढ़ते हैं, अभी टाइम पूरा होने का वेट करेंगे तब बंदों को खाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कोई बंदा इस गेम के अंदर भाई मेमोरी यहाँ से भाग चुका है, वरना मेमोरी को खा जाता है, टाइम तो पूरा हो, या फिर वो इम्पोस्टर भी हो सकता है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं, उसको मारने के लिए यहाँ पे मैंने भाई जूते में लगा लिया अपनी पावर, और मैं यहाँ पे खा लूंगा भाई। पास रहा था ये ग्रीन भाई गेम के अंदर पास रहा था, कितना गंदा बच्चा है। आगे की ओर बढ़ते हैं, हमने 3 बंदे खा चुके हैं, तो यहाँ पे कोई बंदा है क्या, यहाँ पर भी कोई बंदा नहीं है। आगे की ओर बढ़ते हैं भाई, हमको 2 बंदे और खाने, ये गेम खत्म करने के लिए, क्योंकि एक इम्पोस्टर को खा चुके, हो सकता है मैं 2 इम्पोस्टर खा चुका हूँ। तो आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर भी कोई बंदा नहीं है यार, बंदे कहाँ चले गए, सब बंदे ये तो खड़े वो करते थे, यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं है। पूरा मैप मैंने देख लिया, देखो यार यहाँ पर भी कोई नहीं है, यहाँ पे कोई है क्या, यहाँ पर भी कोई नहीं है, यहाँ तो भाई बॉडी पड़ी है यहाँ पे भाई पर्पल की, कोई बंदा मीटिंग भी नहीं बिठा रहा, अच्छी बात है मीटिंग नहीं बिठाई ये लोग। और मेरे को शेरिफ ना मारे, अगर शेरिफ ने मेरे को मार तो ये तीनों बच्चे मेरे पेट में से बाहर आ जाएंगे, अगर शेरिफ मुझे मार देगा तो ये तीनों बच्चे मेरे पेट में से बाहर आ जाएंगे, जिनको मैं खा चुका हूँ। आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे भाई मैं एक बंदा और खा चुका हूँ, मैं टाइम पुराने वाला 3-2-1। और यहाँ पे भाई मैं सियान को भी खा गया, अनबिलीवेबल, मैं 5 बंदे खा चुका हूँ, तुम्हारा कोबरा भाई जीत चुका है यार दूसरा गेम प्ले भी। अरे मैं रात को उजाला कर दी।
तो भाई सुन लिया आप लोगों ने गाना, अब बढ़ते हैं अपने तीसरे और आखिरी गेम प्ले की ओर। तो भाई लोगों यहाँ पे शुरू हो चुका है हमारा तीसरा और आखिरी गेम प्ले। इसके अंदर हमको बनाया इसने स्पेस क्रू और तुम्हारा भाई कोबरा यहाँ पे बनेगा वाइट जैब। तो भाई लोगों ये हमारा तीसरा और आखिरी गेम प्ले है और तुम्हारा भाई कोबरा यहाँ पे बना है द वाइट जैब। तो भाई मैं सभी लोगों का रोल पता करूंगा और मैं उनको मीटिंग के अंदर मार दूंगा दोनों इम्पोस्टरों को, जैसे कि ये गेम प्ले खत्म हो जाए और तुम्हारा भाई कोबरा ये गेम प्ले जीत जाए। तो भाई मैं यहाँ पर टास्क कंप्लीट करने के लिए आ गया हूँ, अपने सारे टास्क कंप्लीट कर दूंगा। और यहाँ पड़ी है भाई बॉडी और तुम्हारे भाई कोबरा ने यहाँ पे बिठा दी है मीटिंग और दो बंदे मर चुके हैं भाई। भाई मैं लाइट खोलने के लिए जा रहा था, वहाँ पे ये बॉडी पड़ी थी तो मैंने मीटिंग बिठा दी। डॉक्टर वहाँ पे आया नहीं भाई, मैंने डॉक्टर का वेट भी नहीं करा। हो सकता है गेम के अंदर डॉक्टर ना हो, तो बताओ आप किसको बाहर करना है मीटिंग के अंदर से, और मैं हूँ या गेम के अंदर व्हाइट जैक। गेम के अंदर भाई आरसो है, निंजा है, ब्लैक जैक है और क्रिटोनी। बहुत सारा दिमाग चलाने के लिए किसने कहा? डॉक्टर को आने तो दे, मीटिंग क्यों बुला लिया तूने? डॉक्टर रिवाइव करने वाला था ब्राउन को, ब्राउन रिवाइव हो जाता, डॉक्टर रिवाइव करने वाला था, बच गया भाई वो रिवाइव होकर खुद बता। यहाँ पर हम बोल देंगे इनको सॉरी पे, हमसे गलती हो गई। में से एक है सियान या वाइट में से एक है, इन दोनों में से एक है इंपोस्टर। अगर तू है सही में वाइट जैक, इन दोनों में से एक को गैस ले ले, क्योंकि यही दोनों वहां से निकले थे जहाँ लास्ट टाइम बॉडी थी, जहाँ से एरो आ रहे थे ना डॉक्टर को, वहाँ के। इतने चाटे मारूंगा बिलू साले, चूतिया बना रहे लोगों को यहाँ पे। मैं कैफेटेरिया में खड़ा हुआ था, हरामी कैफेटेरिया से बाहर ही निकला हूँ मैं। इन्होंने मीटिंग बिठा दी, मेरा फोन थोड़ा ऐसा है और टाइम लगा था गेम के अंदर आने में, तो हरामी मेरे पे इल्जाम लगा दिया। रेड जो है ये छाऊ साला, ये मेरे को बुलटोनी लग रही है, पता नहीं क्यों मेरा पीछा कर रहा था वहां पे, मेरे को बुलटोनी लग रहा है। व्हाइट जैक या फिर ब्लैक जैक, इसको बुलटोनी गैस ले लो। अब तू गया, अब तू गया मेरे, ये बंदा क्या हो सकता है? ये बुलटोनी हो सकता है, ये आरसो या ब्लैक जैक या निंजा भाई, ये क्या हो सकता है? ये हमें पता लगाना है इसका रोल। की कह रहा हूं कैफेटेरिया में, तुम दोनों मेरे आगे से भाग के गए हो लाइट बंद में। मैंने तुम भाई में कैफेटेरिया की बाहर निकलो, हमें बॉडी थी नहीं। अबे ब्लू तू तो कैफेटेरिया से निकला था भाई, वहां पे मीटिंग के वहां निकला था, बट मैं नहीं भाई वहां पे बॉडी थी जब मैं वहां पे हूं। तुम लोग मेरे हिसाब से ब्लू ही होगा। तो भाई मैं यहाँ पे मोडो को स्कीप कर देता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता भाई कौन इंपोस्टर है, कौन गिलुटोनी है, कोर आरसो है, और दो लोग मुझे वोर करते हैं। सालो शेम उड़ो, मुझे वोर मत करो, मैं इस गेम के अंदर भाई यहाँ पे वाइट जैक। तो भाई लोगों अब हम सभी लोगों का रोल पता करेंगे, तब उनका किल करेंगे मीटिंग के अंदर। ऐसा ना हो कि भाई मैं किसी पे गलत गेस कर लूं और मैं खुद ही मर जाऊं। और यहाँ पे गेट बंद कर दिया भाई, कौन है इंपोस्टर मुझे बताओ। हो सकता है भाई ये गोल्डन भी इंपोस्टर हो सकता है मीटिंग के अंदर, ये चुपता है, कोई मीटिंग में बोला नहीं। हो सकता है भाई ये इंपोस्टर, लेकिन हम तुक्का क्यों लगाए, तब तो इसका रोल में पता है नहीं लगेगा, हम मीटिंग नहीं बैठेंगे। और ये साला शेमड़ा वाइट जो है, वाइट है हमारा मेवर, ये मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहा है, मेरे पीछे क्यों आ रहा है बेटा? भाग्य सर अच्छी बात है, वो भाग्य मेरे पास से। ओ ये नहीं भाई, मेरे पीछे आ रहा है भाई, ये मेरे पीछे आ रहा है। हो सकता है भाई आरसो हो, ये आरसो है, क्योंकि गेम के अंदर आरसो है और ये मेरे पीछे आ रहा था तेल लगाने के लिए। अब मैं इसको मीटिंग में मार दूंगा और ब्लू गेम से मर चुका है और मीटिंग बैठाई यहाँ पे पर्पल ने। भाई ये जो है ना वाइट, वाइट है इस गेम के अंदर आरसो, वो मेरे पीछे पीछे आ रहा था मुझे तेल लगाने के लिए, और मैं हूँ गेम के अंदर वाइट जैक। तो मैं यहाँ पे किल करने वाला हूँ यहाँ पे वाइट का, और मुझे पता है गेम के अंदर ब्लैक जैक है, तो भाई तुम लोग अपना देख लेना, मैं मरने वालों की मुझे ब्लैक जैक मार देगा गैस करके। हर जगह जो ग्लूटनी गैस कर ले, तो इनको हम लोग इसको वोट करने वाला, ठीक है? सारे बंदे वोट कर दो भाई इसको। ग्रीन ग्लूटोनी है, ओके ओके। तो भाई यहाँ पर मैं पहले किल करूंगा ग्लूटोनी का, ग्लूटोनी बहुत ही खतरनाक रोल है। लो भाई देख लो, मैं हूं ना वाइट जैक और मैंने यहाँ पे किल कर दिया ग्लूटोनी का, और भाई ये लोग ग्लूटोनी को गेम से बाहर कर देते, वैसे भी तो मैंने गलती कर दी। मैं यहाँ पे किल करता हमारे मैवरिक का, क्योंकि गेम के अंदर 800 है, लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है, उसने अभी तक मुझ पर तेल नहीं लगाया है, तो वो ये गेम नहीं जीत सकता, और मुझ पर तेल लगाना इतनी आसान बात तो मैवरिक की है नहीं। और भाई यहाँ पे इंपोस्टर ने लाइट ऑफ कर दी, जैसे ही लाइट खोलेगी और तुम्हारा भाई कोबरा यहाँ पे बिठा देगा मीटिंग, और मैं मीटिंग के अंदर किल कर दूंगा हमारे मैवरिक का। और यहाँ पे लाइट खुल गई और तुम्हारे भाई कोबरा ने यहाँ पे बिठा दी है ताबड़तोड़ पलंग तोड़ मीटिंग, और मीटिंग के अंदर ये पहले से मर गया साला शेमड़ा है, जब मैं सोता हूँ इसको मारूंगा पहले खुद ही मर जाता है यार। भाई मुझे लगता है इस गेम के अंदर जो इंपोस्टर है वो है हमारा सियान, वो चुप बैठा है, वो कुछ नहीं बता रहा, ना वो अपना रोल बता रहा, ना वो कुछ बोलता है मीटिंग के अंदर, तो मैं यहाँ पे किल कर दूंगा उस सियान का। क्या हो गया भाई, सपने आ गए क्या? देख भाई यार डॉक्टर लगता मर भी गए इतने देर से भाई। अरे भाई मैं इंजीनियर हूँ, ठीक है भाई, पीछे जो मर्जी कर ले, मैं भी इंजीनियर हूँ।
आई थिंक रेड इज सस पर्पल, ये क्या कुत्ते ने काटा है भाई, हो सकता है भाई पर्पल इम्पोस्टर हो और वो होगा यहाँ पे निंजा। भाई मैंने तुक्का लगाया और मैंने किल कर दिया यहाँ पे निंजा को, लेकिन गेम के अंदर था यहाँ पे भाई ब्लैक जैक, उसने मुझे मीटिंग के अंदर मार दिया और ब्लैक जैक था यहाँ पे गोल्डन, मुझे लग रहा था कि भाई गोल्डन इम्पोस्टर हो सकता है। तो भाई बस यही था आज की स्टाफ और तोड़ पलंग तोड़ गेम प्ले के अंदर। अगर ये गेम प्ले आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलूंगा आप सभी लोगों से अपने अगले ताप और तोड़ पलंग तोड़ गेम प्ले के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।